हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आमिर रंजीत सर और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आई थिंक आप लोग सब कोई घर पे हैं और काफ़ी सुरक्षित हैं। इस समय लॉकडाउन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। स्टूडेंट्स ना ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी एक नया चीज़ जो है आप लोग के सामने में है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि अभी जो है टेक्नोलॉजी मतलब कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं या आप इंस्टीट्यूट नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। ये सारी मतलब असुविधाओं के बावजूद भी जो है मतलब आपको एक बेहतर एजुकेशन देने का कोशिश किया जा रहा है। और इस बेहतरी के मार्ग में एक मेरा भी छोटा सा प्रयास है कि मैं घर बैठ करके जो है मतलब आप लोगों तक मतलब ये एजुकेशन आपको मैं दे सकूँ और आपको मैं पढ़ा सकूँ। मुझे पता है कि एक ऑफलाइन का जो मतलब फीलिंग्स होता है वो ऑनलाइन में बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जहाँ कुछ नहीं हो सकता वहाँ कुछ तो जरूर बेहतर है। तो आई होप कि अब तक आप लोगों को जो भी मेरे द्वारा वीडियोस दिया गया है आप उसका एंजॉय कर रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्लास 12th की मैट्रिसेस का सबसे लास्ट लेक्चर है और दिस वन इज अबाउट एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना। आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में सुना होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ए इनवर्स निकालना सिखाया था, और ए इनवर्स निकालने के लिए मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि किस तरीके से अगर हम ए इनवर्स निकालते हैं तो इसके लिए मैंने 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए करके आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, है ना। और ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारा डिटर्मिनेंट ए जो होना चाहिए ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा मतलब ये हमारा मतलब सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए जो है, ये सिंगुलर मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है, सिंगुलर मैट्रिसेस ऐसा मैट्रिसेस होता है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए मतलब जीरो हो जाए, ऐसे हमारे सिंगुलर मैट्रिसेस कहलाते हैं। मतलब जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं उसके लिए ए इनवर्स इस मेथड से निकालना बहुत आसान था, ये पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास का जो हमारा इंटेंशन है ये है एलिमेंट्री ऑपरेशन, और एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे कि कैसे हम लोग इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले ये ऑपरेशन होता क्या है पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा काम करेंगे, फिर हम आपको सिखाएंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके कैसे हम लोग ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप आज का टॉपिक लिखेंगे, आपका जो टॉपिक है क्लास 12th हम लोग मैट्रिसेस कर रहे हैं तो आप मैट्रिसेस लिख सकते हो, और ये लास्ट लेक्चर है आपका। ठीक है, मैंने बोला था कि मैं सबसे लास्ट में इसको सिखाऊंगा। ठीक है, और मैट्रिसेस में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, आप इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलो या इसी को ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन। किसका ट्रांसफॉर्मेशन, तो किसी मैट्रिसेस का। ठीक है, ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, किसी भी मैट्रिसेस का अगर आप कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन यहां मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, और यही आज का आपका टॉपिक होने वाला है। ठीक है, कुछ लिखने लिखाने का काम होता है शुरू में, उसको हम लोग पहले निपटा देते हैं, फिर वापस से मैं आपको अपने तरीके समझाऊंगा। सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में ये है कि इसमें टोटल जो है 6 ऑपरेशंस हम लोग को पढ़ना होता है, जिसमें से 3 हमारे अबाउट रोज होते हैं और 3 अबाउट कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि देयर आर 6 ऑपरेशन, देयर आर 6 ऑपरेशन, या आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, 6 ऑपरेशन, ब्रैकेट में आप लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें 3 ऑफ विच जो होता है, 3 ऑफ विच, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड 3 ऑफ विच ड्यू टू कॉलम्स। ठीक है, जिसमें से 3 हमारे कॉलम्स के अबाउट होते हैं और 3 हमारे रोज के अबाउट होते हैं। ठीक है, एंड टुगेदर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसी को एलिमेंट्री ऑपरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री
ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे तीन जो होंगे वो रोज के अबाउट होते हैं और तीन हमारे कॉलम्स के अबाउट होते हैं। अगर आपको तीन रोज के अबाउट पता चल जाएगा तो आप तीन कॉलम के अबाउट भी सीख जाओगे। ठीक है, कुल मिलाकर कहने के लिए ये छह है, लेकिन ये है तीन ही, ये तीन रोज में आ जाएंगे और तीन हमारे कॉलम्स में आ जाएंगे। आप एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट दे लो, फिर हम वन बाय वन जो है इस ऑपरेशंस को पढ़ेंगे और तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार आप इसको वापस से लिख लो, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक, एक बार आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी से हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आप जरा ध्यान देना, अगर शॉर्टकट में आपको समझना हो तो आप लिख सकते हो कि तीन जो है ये ऑपरेशन हमारे होंगे अबाउट रोज, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, या आप जो तीन लिखोगे स्लैश देकर के ये अबाउट कॉलम हो सकता है। ठीक है, ये या तो तीन रोज के अबाउट या तीन कॉलम्स के अबाउट ये ऑपरेशन होता है। ठीक है, और इसी ऑपरेशन को हम लोग वन बाई वन करके पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले ऑपरेशन के बारे में हम बात करेंगे कि पहला ऑपरेशन क्या है। ठीक है, ऊपर से मैं एक बार रब कर रहा हूं, ठीक है, और पहले ऑपरेशन पे आते हैं हम लोग। देखो, अगर पहले ऑपरेशन के बारे में हम लोग समझे तो पहला ऑपरेशन क्या कहता है, पहला ऑपरेशन ये कहता है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स डज नॉट अफेक्ट द मैट्रिसेस। यानी पहले तो आप स्टेटमेंट लिखो, सबसे पहला जो ऑपरेशन है, ठीक है, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज या स्लैश कॉलम लिख सकते हो, ठीक है, कॉलम डज नॉट अफेक्ट द मैट्रिसेस, इनसे मैट्रिसेस पे कोई भी अफेक्ट नहीं आता है। मैंने क्या समझाया तो आप समझो पहले ध्यान से। अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, इस एग्जांपल को समझो, जैसे मैंने लिया यहां पे एक मैट्रिसेस है 1 2 1, यहां पे -1 है, √3 है और यहां पे 1 है, उसके बाद 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ, ये रेट से कोई मैट्रिसेस है। हमने यहां पे लिखा है कि अगर किसी भी दो रो को या दो कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करने का क्या मतलब है कि आपको पता है ये R1 है, ये अपने पास R2 है और ये अपने पास R3 है, देयर इज R1 R2 एंड R3। अगर हम किसी भी दो रो को इंटरचेंज करने का मतलब हुआ कि जो चीज हम कर रहे हैं उसको समझिए आप, अगर मैं इस रो को इस जगह पे शिफ्ट कर रहा हूं, मतलब मैंने क्या करा कि R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R2 के साथ, तो इंटरचेंज करने का मतलब हुआ कि ये दोनों तरफ एरो का साइन हम लोग लगाएंगे, मतलब R1 के जगह पे R2 शिफ्ट हो रहा है और R2 के जगह पे R1 शिफ्ट हो रहा है, और जो फाइनली जो हमारा जो नया जो मैट्रिसेस बनेगा वो क्या बनेगा, है ना, जब हम लोग ये अप्लाई कर लेंगे, क्या R1 और R2 को अप्लाई करने के बाद, मतलब इंटरचेंज करने के बाद जो हमारा फर्दर बनेगा वो क्या बनेगा, तो आप मैट्रिसेस ऐसे लिख सकते हो, आप इस जगह को 1 2 1 को सबसे लास्ट में लिखोगे 1 2 1, ठीक है, और 5 6 7 को सबसे ऊपर लिखोगे 5 6 7, और एक खास बात ये है कि -1 3 और 1 ये एज इट इज अपने जगह पे बना रहेगा, -1 √3 और 1, ये हमारा सिर्फ पहला मतलब ऑपरेशंस है। इस ऑपरेशंस में हमने क्या सीखा कि किसी भी दो रोज को या कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, है ना, बहुत सारे बुक्स में ये सिर्फ एडजेसेंट दे रखा है कि आप इसको यहां शिफ्ट कर लो, इसको यहां शिफ्ट कर लो, नहीं, एनसीईआरटी को अपना बेस मानते हुए आपको ध्यान रखना है किसी भी दो रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं और इससे हमारे मैट्रिसेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, आई होप कि ये क्लियर है। आप इसको एक बार राइट डाउन करो, फिर हम सेकेंड ऑपरेशन पे आते हैं। अगर यही बात हम कॉलम के अबाउट समझना चाहें, है ना, कॉलम के अबाउट समझना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, जरा आप समझो ध्यान से। यानी इसी मैट्रिसेस में अगर हम कॉलम अप्लाई करें तो ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 लिखा हुआ है और यहाँ पे अपने पास C3 लिखा हुआ है। अगर हम इंटरचेंज करने जाएं, सपोज दैट C1 और C2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे C1 जो है वो इंटरचेंज हो रहा है C2 के साथ, मतलब अब जो मैट्रिसेस बनेगा इसको आप जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो,
मतलब अब ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये बीच में शिफ्ट होगा, वन माइनस का वन और फाइव। अब ये जो टू रूट थ्री और सिक्स दिखाई दे रहा है इसको पहले शिफ्ट करेंगे, टू रूट थ्री और सिक्स, और लास्ट में जो बचा हुआ उसको एज इट इज लिख लेंगे, वन वन और सेवन। मतलब ऐसा करने से मैट्रिसेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा पहला ऑपरेशन कहता है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम डज नॉट अफेक्ट द मैट्रिसेस। इज दैट क्लियर? ओके, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं सेकेंड एप्लीकेशन पे या सेकेंड ऑपरेशन पे मैं आता हूँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये बेसिक्स बात अगर आपको पता रहेगा फिर हम लोग जब इनवर्स निकालेंगे तो बहुत ज्यादा जो है ये हेल्प करेगा, ठीक है? नेक्स्ट आप ऑपरेशन नंबर सेकेंड लिख सकते हो, ठीक है? सेकेंड का पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, द मल्टीप्लीकेशन, आप लिखना द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ऑफ द एलिमेंट्स, ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, एनी रोज और कॉलम, एनी रोज और कॉलम बाई अ नन जीरो नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है यहां पे, बाई अ नन जीरो नंबर। नन जीरो नंबर बोले तो कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, बस जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? बाई अ नन जीरो नंबर डज नॉट अफेक्ट द मैट्रिसेस, डज नॉट अफेक्ट द, डज नॉट अफेक्ट द मैट्रिसेस। इससे मैट्रिसेस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? एक एग्जांपल के हेल्प से इसको समझ सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या बोला, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाई अन जीरो नंबर्स डज नॉट अफेक्ट द मैट्रिसेस। किसी भी तरह का कोई भी एक मैट्रिसेस ले लो, सपोज दैट एक मैट्रिसेस लेट से यहाँ पे ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, यहाँ पे लेट से बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, यहाँ पे सी वन है, सी टू है और सी थ्री है, ठीक है? किसी भी एक रोज में आप किसी एक कॉन्स्टेंट के से मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि इसको हमने क्या करा कि के ए वन लिख दिया, है ना, के ए टू लिख दिया, के ए थ्री लिख दिया, वापस से यहाँ पे बी वन है, बी टू है और बी थ्री है, ठीक है? यहाँ पे सी वन है, सी टू है और सी थ्री है। इससे हमारे मैट्रिसेस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? ये ध्यान रखना है, किसी भी एक रोज में अगर आप किसी एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो या किसी भी कॉलम में, तो इससे मैट्रिसेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आप ध्यान रखना, आप इसको पहले कॉपी कर लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? एक और एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, पहले आप इसको नोट करो। एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक मैट्रिसेस है, आप जरा इसको देखो ध्यान से, अपने पास एक मैट्रिसेस है, रेट से मैट्रिसेस बी लिखा हुआ है, और ये मैट्रिसेस कितना है, तो वन टू वन लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का वन है, रूट थ्री है और यहाँ पे वन लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें हम लोग अप्लाई क्या कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हो कि अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, रेट से यहाँ पे अगर ये आप देखो तो सी वन है, यहाँ पे सी टू है, यहाँ पे सी थ्री आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? अगर मैं ये बोलूं कि मैं सी थ्री को लिख रहा हूँ, किसको लिख रहा हूँ, सी थ्री को, अगर आप सी थ्री को लिखने जा रहे हो तो इंटरेस्टिंग बात समझना ध्यान से, जिसमें ऑपरेशन अप्लाई करना है पहले आप उसको लिखोगे। सी थ्री में अगर हम रेट से वन बाई सेवन टाइम्स ऑफ सी थ्री कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब आप क्या करोगे, कॉलम थर्ड कॉलम में वन बाई सेवन टाइम्स करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया मैट्रिसेस बनेगा उसको आप वन लिखोगे यहाँ पे, माइनस का वन लिखोगे यहाँ पे, फिर ये टू लिखोगे, फिर रूट थ्री लिखोगे, लेकिन यहाँ जो लिखोगे वो वन में वन बाई सेवन से मल्टीप्लाई करके वन बाई सेवन लिखोगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी वन बाई सेवन आ जाएगा, और इस तरीके से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। मतलब किसी एक पार्टिकुलर कॉन्स्टेंट से, किसी एक नंबर से हम लोग किसी भी एक पार्टिकुलर रो में या कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मैट्रिसेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलोगे सर ये सब क्यों करा रहे हो, तो इसका फायदा आपको समझ में आएगा जब हम लोग इनवर्स निकालेंगे, ठीक है? तो पहले आप एक बार इसको आप राइट डाउन करो, फिर हम इसके तीसरे ऑपरेशन पे आते हैं, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक बातें एकदम क्लियर है और समझ में आ रहा है आपको, ठीक है? चलिए मैं रब करूं, ओके। यहां पे एक छोटा सा चीज समझना है,
जब हम लोग किसी रोज या कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर रहे थे तो इंटरचेंज के लिए हम लोग ये साइन ले रहे थे, याद है ना? ये साइन किस चीज का था? ये इंटरचेंज का था। ये ध्यान रखना, बहुत छोटी बात मैं कर रहा हूं, बहुत छोटी बात, ठीक है? और अगर सिर्फ कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो अगर वो सिंगल होगा तो इसमें ऐसे एरो लगाएंगे। जैसे सी थ्री को लिखा था 1/7 टाइम्स ऑफ कितना, सी थ्री, मतलब ये सिर्फ यूनिडायरेक्शन है, मतलब किसी एक ही डायरेक्शन में ये ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है ना, ये आपका इंटरचेंज नहीं कहलाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये सिर्फ क्या है, मतलब एक साइड में आपको चेंजेस दिखाई देंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहा है, क्या हो रहा है, एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है? यहां से अब इस चीज को हम ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है? ये दो बातें आपको समझ में आना चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? अगर मैं तीसरे ऑपरेशन पे बात करने जाऊं तो आपका थर्ड ऑपरेशन क्या कहता है? थर्ड ऑपरेशन थोड़ा सा यूनिक है, आप समझो जरा ध्यान से। थर्ड ऑपरेशन ये कहता है कि अगर कोई भी मैट्रिसेस है, ठीक है, उस मैट्रिसेस में किसी भी एक रो को लिखने का जो तरीका है वो ये है कि किसी दूसरे रो से आप क्या कर सकते हो, उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने क्या बोला, पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। आप लिखना द एडिशन टू द एलिमेंट्स, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number any non-zero number does not affect the matrices, ठीक है? मैंने क्या लिखा है इसको समझते हैं। मैंने आपको ये समझाया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। हालांकि तीनों ऑपरेशन यूज करे जाएंगे लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। आप जरा समझो इस ध्यान को, इस बात को जरा ध्यान से समझना। आप क्या कर सकते हो लेट से कि R1 अगर मुझे लिखना है, इस R1 को लिखना है ना, तो इस R1 को पहले अगर लिखना है, इसमें कुछ करना है ना अपने को, तो हम पहले R1 लिखेंगे। इसके बाद क्या कहता है, ये कहता है कि द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर डज नॉट अफेक्ट द मैट्रिसेस। इसका मतलब ये हुआ कि आप एड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। बुक्स में सिर्फ एडिशन के बारे में रखा है ना, आप एड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, किसी के टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई करके किसी भी एक रो में, R1 लिख लो, R2 लिख लो, R3 लिख लो, है ना? लेट से मैं R2 लिख रहा हूं, मतलब R1 को लिखने का एक नया तरीका क्या है कि हम R1 को लिखेंगे लेकिन के टाइम्स ऑफ R2 कर लेते हैं और वापस इसको R1 में एड कर ले या सब्ट्रैक्ट करके हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा इनडायरेक्टली जो है ये थर्ड ऑपरेशन लिखा हुआ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, R1 जिसको लिखना होगा, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, हम किसमें ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, R1 में क्या ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो R1 में ट्रांसफॉर्मेशन ये देख रहे हैं कि हम R2 में किसी के टाइम से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको वापस से ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R1 में, फिर हम R1 का फोटो चेंज कर रहे हैं। बस ये सिंपल सा एक बात है, आप पहले इसको लिख कर जाओ, ठीक है? और मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आप राइट डाउन करो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, पहले आप जरा ध्यान से देख लो। यहाँ पे एक मैट्रिसेस दे रखा है और ये मैट्रिसेस क्या है, ये मैट्रिसेस लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ पे 2 और माइनस का 1 लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है?
क्या अप्लाई कर रहे हैं। अगर लेट से हमें आर वन लिखना है, आप समझना जरा ध्यान से, अगर मैं आर वन को लिखना चाहता हूं तो हम आर वन को पहले ऐसे आर वन लिखेंगे और लेट से माइनस करना है टू टाइम्स ऑफ लेट से आर टू को, है ना, आप समझना जरा ध्यान से, टू टाइम्स थ्री टाइम्स कुछ भी कर लो किसी के टाइम्स में, तो जो नया आएगा वो क्या आएगा वो जरा आप समझो ध्यान से, वो कितना आएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ साइड में, ठीक है, आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले R1 में आपके पास क्या क्या है, वन और टू दिखाई दे रहा है, टू टाइम्स ऑफ आर्टिकल, टू टू जा फोर आ गया और यहाँ पे टू वन जा टू आ गया, ठीक है, तो ये आप माइनस का टू लिख लोगे। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, R1 में से टू टाइम्स ऑफ आर टू को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब वन में से फोर गया ये माइनस का थ्री आएगा और इसको माइनस करना है तो ये टू और माइनस का माइनस ऑफ टू करना है अपने को, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का मतलब आ जाएगा तो ये हमारा फोर आ जाएगा। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर वन का फोटो चेंज हो गया, आर वन की जगह पे माइनस थ्री लिखेंगे, यहाँ पे फोर लिखेंगे, यहाँ पे टू लिख लेंगे और यहाँ पे माइनस वन लिख लेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन किस में करा हमने, ये हमने आर वन में करा, आर वन में हम आर टू में टू टाइम्स कर करके और वापस इसको हम लोग क्या कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए, किस में सब्ट्रैक्ट किए हैं, आर वन में से, ठीक है, और इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और यही काम हम किसी भी मतलब रोज में या किसी भी कॉलम में कर ले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया कि जो बेसिक हमारा बात है एलिमेंट्री ऑपरेशन में वो क्या है, ठीक है। मैं एक बार वापस से इन तीनों का आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ कि मैंने आपको क्या समझाया है, ठीक है। चलो आप एक बार इसका कॉपी करो और आपको जो है मोटा मोटी जो बात याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे आपसे, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए, इसके एप्लीकेशन आपको आना चाहिए और अगर आप इसका यूज करना सीख जाओगे ना तो फिर आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले देखा जाए ये कोई नया मतलब ऑपरेशन नहीं था, ये दोनों का फर्स्ट टू ऑपरेशंस को कंबाइन करके एक तीसरा ऑपरेशन बनाया गया था। हमने सबसे पहले सीखा कि किसी भी है ना मैट्रिसेस के रोज को हम लोग कॉलम में, ठीक है, और कॉलम को रोज में हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ये भी एक काम का चीज है। इसमें हमने ये देखा था कि किसी भी दो रोज को या दो कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज, ठीक है, एनी टू रोज और कॉलम Does not affect the matrices, ठीक है, ये बात हमने affect the matrices, ये बात मैं एक बार बस आपको क्विक रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। दूसरे में हमने क्या देखा, इसी को अगर हम ऐसे समझाएं तो आप ये समझो, पहला हमने ये सिखाया कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ए वन वन है, ए वन टू है, ए वन थ्री है, बी वन वन बी टू वन है, या रेट से यहाँ पे ए टू वन है, ए टू टू है और ए टू थ्री है, यहाँ पे रेट से अगर ए थ्री वन है, ए थ्री टू है और ए थ्री थ्री है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेट से अगर हम आर वन को इंटरचेंज करते हैं आर टू के साथ, तो जो हमारा नेक्स्ट जो फोटो आने वाला है वो क्या आने वाला है, तो ये वाला जो शिफ्ट करेंगे ए टू वन, ए टू टू और ए टू थ्री, ये यहाँ पे लिखेंगे और पहला जो है ए वन वन, ए वन टू और ए वन थ्री हम यहाँ पे लिखेंगे, जो लास्ट है उसको एज इट इज लिख लेंगे ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, है ना। और इन दोनों मैट्रिसेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये हमने पहले लॉ में सीखा, ये काम हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है उसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है, और आप उसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया, सेकेंड में आपको ये सिखाया कि कोई भी एक मैट्रिसेस ले लो आप, ठीक है, अगर वो मैट्रिसेस लेट से ए वन वन है, ए वन टू है, ए वन थ्री है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लेट से बी वन वन है, बी इसको ए टू वन ही लिखो, ए टू टू लिख लो और ए टू थ्री लिख लो, यहाँ पे ए थ्री वन लिखो, ए थ्री टू लिखो और ए थ्री थ्री लिखो। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं किसी भी एक रो में लेट से मैं आर टू में, आर टू को मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो आर टू में मैं क्या कर रहा हूँ, के टाइम्स ऑफ लेट से आर टू कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा सेकेंड था। तो हम जो फर्दर जो हमारा आएगा मैट्रिसेस वो क्या आएगा, तो आएगा जैसे जो लिखा हुआ उसको वैसे लिखना है,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, A11, A12 और A13 लिखा हुआ है। और अगर तीसरा देखा जाए तो A31, A32 और A33 लिखा हुआ है, इसमें कोई चीज आप नहीं करेंगे। लेकिन R2 में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पे हम लोग मतलब ऑपरेट कर रहे हैं और इसी को लिखना है आप लोगों को। तो K टाइम्स ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, A21 लिख सकते हैं, यहाँ पे K टाइम्स ऑफ A22 लिख सकते हैं और K टाइम्स ऑफ A23 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस वन इज द सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, कि यू कैन मल्टीप्लाई विद अ कांस्टेंट फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम्स, ठीक है। किसी भी रो और किसी भी कॉलम्स में अगर आप के टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिसेस पे कोई भी फर्क नहीं आता है, ये हमारा सेकेंड हो गया। और अगर थर्ड की बात करी जाए तो थर्ड में हमने क्या सीखा कि किसी भी आप क्या करोगे कि किसी भी एक रो को लिखने का तरीका ये है, सपोज दैट यहाँ पे A11 है, A12 है और A13 है, यहाँ पे A21 है, यहाँ पे A22 है, A23 है, नेक्स्ट A31, A32 और A33 है। तो आप क्या करोगे, अगर लेट से मैं तीसरे में कुछ यूज करना चाहता हूँ, R3 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए मेरे को, तो मैं R3 को लिखने जा रहा हूँ, तो पहले आप जस्ट बगल में R3 को लिखोगे, ठीक है। R3 को आप लिख रहे हो प्लस कर रहे हो K टाइम्स ऑफ लेट से R1, मतलब R1 में K से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करके R3 का फोटो चेंज करोगे, तो जो आपका फाइनली जो फोटो आएगा उसको समझने की जरूरत है कि अब आंसर में क्या आएगा। देखो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ R3 में चल रहा है, तो R3 में सिर्फ हमें चेंज करना है R1 और R2 को एज इट इज लिख करके आ जाओ, A11, A12 और A13। यहां देखा जाए तो A21 है, A22 है और A23 है, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब हमें काम नहीं करना है, मेन इसमें है, मतलब सबसे पहले आप A31 लिख लो और इसमें कहता है कि K टाइम्स करो किसमें, R1 में, तो इस K टाइम्स करेंगे तो प्लस का K टाइम्स ऑफ और R1 के जगह पे A11 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्या होगा, A32 लिखेंगे और प्लस में K टाइम्स ऑफ A12 कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे A33 करेंगे और प्लस कर लेंगे हम लोग कितना K टाइम्स ऑफ क्या A13, ये लिख लेंगे हम लोग और यहां से अपना मैट्रिसेस बन करके तैयार हो जाएगा। मतलब किसी भी एक रोज में या कॉलम में किसी के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रोज या कॉलम में हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये तीन बातें अगर क्लियर है तो फिर हम लोग इनवर्स सीखने के लिए तैयार है। आई होप यहां तक आप इसका कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, अपना टॉपिक अब चेंज होने वाला है, जो हमें पढ़ना है अब उस पर हम लोग वापस आते हैं। पढ़ना है हम लोग को टॉपिक, आप देखेंगे इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। आप एक बार इसको राइट डाउन करो, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस करके लिखेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस करके आप टॉपिक लिखेंगे, ये जो भी हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े हैं ना, ये सभी हम इन्वर्टिबल निकालने के लिए ही पढ़े हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां पे सबसे पहले आप टॉपिक लिखोगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, क्या लिखोगे, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस करके, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बात है, पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है लिख लेना पहले, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर एम ऑर्डर का कोई एक लेट से एक मैट्रिसेस है जिसको मैंने ए से मार्क करा है, ठीक है, और कोई दूसरा मैट्रिसेस है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स
अनदर मैट्रिक्स लेट से बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, ये सबसे काम का बात होने वाला है। अगर मान लेते हैं कि अपने पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, आप ध्यान से समझना, एक मैट्रिसेस ए है और दूसरा मैट्रिसेस हमारे पास बी है, दोनों का ऑर्डर लेट से सेम ऑर्डर है और इनका ऑर्डर भी एम दे रखा है, तो उनके बीच में कुछ रिलेशन इस तरह से होना चाहिए कि अगर हम ए मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन बी से करने जाए, ए इंटू बी करें और वापस से फिर बी इंटू का ए करें, तो ये हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देना चाहिए या कोई ना कोई ये यूनिक मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। अगर वो इस बात को सेटिस्फाई करता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि तब जा करके ए जो होगा वो बी का इन्वर्स होगा, और अगर ए बी का इन्वर्स होगा तो बी भी हमारा ए का इन्वर्स होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए और इज इक्वल टू आई आना चाहिए, ठीक है। और याद रखना ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में पॉसिबल है, अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है तो उसमें अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आ भी जाए, है ना, लेकिन उसके लिए हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात नहीं करते हैं, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। आप लिख सकते हो देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ, या इन्वर्टिबल बोल सकते हैं इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स, बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसका, ऑफ ए का, ए का इनवर्स यहां पे बी का आएगा एंड इट इज डिनोटेड बाय, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय ए इनवर्स, ठीक है। और एक पॉइंट आप ऐसे लिख लो कि अगर इफ ए इज इनवर्स ऑफ बी देन बी इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए, ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए, है ना, बहुत छोटी सी बात है। अगर हमारा ए इनवर्स है बी का, देन बी इनवर्स किसका कहलाएगा, ए का, एज इट इज, बस ये बात इसमें अपने काम का है कि हमें ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए के बराबर आना चाहिए और ये आई के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। और आई क्या होता है, तो आई मैंने आपको सिखाया है कि अगर हमें 2x2 का अगर कोई आई मैट्रिसेस लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, बस इसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 होंगे, बाकी हमारे 0 होंगे। अगर लेट्स सम 3 ऑर्डर का लिखने जाए तो 3 ऑर्डर के केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां 1 1 और 1 लिखेंगे, बाकी जगह पे 0 0 क्या करना है अपने को, फिल करना है, बस यही हमारा क्या कहलाते हैं, सारे के सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले केसेस चेक करेंगे, किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, किसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ डिसाइड करेगा ये कि अगर ए इंटू बी बराबर है बी इंटू ए के और वो अगर आई के इक्वल आ रहा है, तभी हम कहेंगे कि हमारा ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो पहले तो इस बात को समझते हैं जो मैंने लिखा है, ठीक है, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ एक क्वेश्चंस के हिसाब से, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखा देने से आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मेन क्या है कि शुरू शुरू में थोड़ा लिखने लिखाने का काम होता है, ताकि जब बाद में आप अपनी नोट्स को पढ़ो तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाए कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा था। और सपोज दैट अगर अपने पास एक मैट्रिसेस है ए, और ये ए मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, ये 2 3 1 2 है, 2 3 1 और 2 है, और एक दूसरा मैट्रिसेस हमने लिया है सेम ऑर्डर का, आपको दिख रहा है ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, और जो दूसरा मैट्रिसेस है अपने पास बी, ये दे रखा है 2 -3, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। हमें क्या करना है, मैंने कहा कि चेक करना है ये ए बी का इनवर्स और बी ए का इनवर्स है या नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए इंटू बी कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है, ए की जगह पे 2 लिख सकते हैं, 3 1 और 2 लिख सकते हैं,
और बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो माइनस का तीन, माइनस का एक और दो लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन करने का आपको तरीका सिखाया था, अगर आपको याद हो, पहले दो को दो से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और प्लस करो किसके साथ, तीन को माइनस एक के साथ मल्टीप्लाई करके, तीन को माइनस एक के साथ मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का काम हो गया। फिर वापस से क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, वन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री के साथ, वन इंटू माइनस का थ्री, और प्लस करेंगे टू इंटू का टू के साथ, ठीक है, बस यहीं तक मेहनत करना होता है। अब क्या करोगे आप, अब आपको क्या करना है समझना जरा ध्यान से, इसका ऑर्डर कितना है, टू इंटू का टू, और इसका ऑर्डर है टू इंटू का टू, मल्टीप्लीकेशन का तरीका सिखाया था, इसका जो एन होना चाहिए वो इसके एन के बराबर होना चाहिए, और जो रिमेनिंग पार्ट आपको दिख रहा है उस ऑर्डर का मैट्रिसेस आना चाहिए। पहले हमने क्या करा, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करा, फिर इसका इसके साथ करा, फिर वापस से क्या करा कि अब हमने इनका किसके साथ करा, इसके साथ करा जाए, हाँ एक मिनट कुछ मिसिंग हो गया ना, हाँ टू इंटू का टू करा, थ्री इंटू का माइनस वन करा, क्लियर है, प्लस उसके बाद क्या करते, फिर टू इंटू का माइनस थ्री और थ्री इंटू का टू कर लेते, वही होता, ठीक है। यहां पे एक बार क्या कर लेते, टू इंटू का हम लोग क्या कर सकते थे, माइनस थ्री, और प्लस का फिर थ्री इंटू का टू कर सकते थे, ठीक है, तो ये दे जाता। अब क्या करना हमें, बस हमें खाली वन और टू रखते जाना है, वन रखो जो यहां पे दिख रहा है उसको लिखो, प्लस में टू लिखो जो यहां दिख रहा है उसको लिख लो, वन लिख लो यहां पे जो दिख रहा है उसको लिखो, टू लिखो और जो दिख रहा है यहां पे लिख लो, ठीक है, ये बहुत आसान सा मेथड है, ठीक है। एक बार मैंने इसका इसके साथ करा, इसका इसके साथ करा, फिर वापस इसका इसके साथ करा, इसका इसके साथ करा, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर वापस इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ये आसान सा मेथड है, ठीक है, और आई थिंक आपको मल्टीप्लीकेशन पहले से आता है। ये दो दूना चार और माइनस का तीन, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये प्लस का वन आएगा, ठीक है, ये तीन दूना छह आया, माइनस का छह और प्लस का तीन दूना छह, ये जीरो दे जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे दो एकम दो दिख रहा है और माइनस का दो, दो और दो बोले तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का थ्री और यहाँ पे कितना प्लस का चार दिख रहा है, मतलब ये यहाँ पे एक आ जाएगा। आपको बहुत बड़ी बात ही दिखाई दे रहा है कि एक आई मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है टू बाई टू ऑर्डर का, तो आई तो दिख रहा है, पर अब हम इसी के साथ क्या करेंगे, ए इंटू बी चेक कर लिया, बी इंटू ए चेक करते हैं कि बी इंटू ए क्या आएगा, ठीक है, आई थिंक इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको पता ही आई है, लेकिन एक बार मैं चेक करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको चेक करने जाओगे तो आपके पास जो मैट्रिसेस है वो कितना है, बी की जगह पे हम रखेंगे दो, फिर माइनस का तीन, फिर माइनस का एक, फिर दो रखोगे, और इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग को करना है किसके साथ, दो तीन एक और दो के साथ, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, दो को दो से मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे, माइनस तीन को एक के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, फिर वापस से क्या करोगे, दो का तीन के साथ करोगे, ठीक, और उसके बाद फिर माइनस तीन का किसके साथ करोगे, दो के साथ करोगे, प्लस करके माइनस तीन इंटू का दो करोगे, बस ये माइनस वन और दो याद रखो, बाकी अपना काम हो जाएगा। माइनस वन लिखते चलो, यहाँ पे जो दिख रहा है उसको लिखो, फिर दो लिखो, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का वन लिख करके तीन लिखो, प्लस में कितना दो लिख करके इंटू का टू कर लो, बस खत्म। यहां से इसको सॉल्व करो, टू टू का फोर दिख रहा है और माइनस का थ्री दिख रहा है, मतलब ये आपको वन दिख देगा, टू थ्री जा सिक्स और सिक्स माइनस यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का टू और यहाँ पे प्लस का टू कितना आ जाएगा, ये जीरो दे जाएगा, माइनस का थ्री और प्लस का फोर यहाँ पे वन दे जाएगा। बहुत अच्छे से आपको पता चल रहा है कि इस केसेस में हमारे पास ए इंटू बी जितना आया है वो एग्जैक्टली बी इंटू ए के बराबर है और वही हमारा आई का बराबर है। इसका मतलब है कि हेंस हम ये बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए जो है इज इनवर्स ऑफ बी, ए इज इनवर्स ऑफ बी, इनवर्स ऑफ बी। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, B is inverse of A, ठीक है, मतलब मुझे ये बताना था कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जब A into B करो आप B into A करो, ये हमेशा I अपने को दे जाता है, और अगर I आप बना ले रहे हो तो यही हमारा क्या कहलाता है, ये इनवर्स ऑफ A और B कहलाता है, ठीक है। आप एक बार इसको राइट डाउन करो, फिर मैं आगे कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ आपको। मेन क्या है कि मेन है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे वैसे वैसे आप इस चीज को सीखना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक बार आप इसका कॉपी कर लो जल्दी से, ये चीज ध्यान में होना चाहिए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और इसका जो कीवर्ड्स है वो यही है, ठीक है। कोई भी दो मैट्रिसेस होगा दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इनवर्स मैट्रिक्स की बात हम किस मैट्रिसेस में करते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में करते हैं। आप एक बार इसका कॉपी करिए, ठीक है, तब तक मैं थोड़ा सा Thank you.
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले नोट में हम लोग दो पॉइंट्स देखेंगे जो मैंने बताया आपको, ठीक है, और इस दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला मैंने आपको पॉइंट बताया है, वो पॉइंट ये है कि किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के केस में इनवर्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में बात करते हैं, चाहे वो ए इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर क्यों नहीं आ जाए, ये ध्यान रखेंगे। तो नोट में आप ये पॉइंट लिख सकते हो, ये सारा का सारा मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, कहीं बाहर से नहीं लिया इसको। आप लिख लो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है, जैसे मान लिया एक दो तीन लिखा हुआ है, वन टू लेट से जीरो लिखा हुआ है, तो यहां पे इसमें एक रो दिख रहा है, दो रो दिख रहा है, यहां पे आर वन आर टू है, यहां पे लेकिन कॉलम कितने दिख रहे हैं, सी वन सी टू और सी थ्री दिख रहे हैं, ठीक है, सी टू और सी थ्री, तो ये टू इंटू थ्री दिख रहा है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। इसके केस में इनवर्स की बात नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनवर्स की बात हम सिर्फ हम ऐसे मैट्रिसेस के बारे में करेंगे जो स्क्वायर मैट्रिसेस हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत छोटी बात है पर ये काम की बात है। मैंने बोला रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस डज नॉट पोसेस इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है, ये बस यहां तक ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट में मैंने बताया है कि अगर इफ ए इज इनवर्स ऑफ बी देन बी इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए, इफ ए इज इनवर्स ऑफ बी देन बी इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए, देन बी इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए, बी इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। अगर ए जो है इनवर्स ऑफ बी है देन बी इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए, ये दो बातें आपको पहले से पता है, आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें हो रखी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये सारी बातें क्लियर हो गई, अब क्वेश्चन में कैसे करना है इस पे हम लोग बात थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करना है, देखो पूरे क्वेश्चन में आई थिंक 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन में मैं दो क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, और इसी दो क्वेश्चन से आपका काम होने वाला है। लेकिन इसमें अब तक आप जो भी थ्योरी पढ़े हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले ये समझो, आपके पूरे एक्सरसाइज में एनसीईआरटी मुझे याद है कि अगर 18 क्वेश्चन है तो आप ध्यान रखना पूरे के पूरे बुक्स में 14 क्वेश्चन तक सिर्फ 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा जिसका इनवर्स निकालना है। पूरे बुक्स में सिर्फ चार ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दो और तीनों दोनों में, ठीक है। एग्जाम्स में अक्सर जो है ये आएंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए, जो पहला मेथड आपको सिखाया वो मेथड आपको आता ही है, आप ये मेथड सीखोगे। पहले क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चन आता है सबसे पहले कैसे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स हम यहां पे देंगे इनका इनवर्स निकालना है ना, किसका यूज करते हुए, तो यूज हमें करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन का। और हमने आपको बताया 6 ऑपरेशंस के बारे में, जो 3 कॉलम के अबाउट था और 3 हमारे रोज के अबाउट था। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं, इन्होंने एक मैट्रिक्स दे रखा है ए मैट्रिक्स, और ये ए मैट्रिक्स हमारा दे रखा है 1 है 2 है और उसके बाद 2 और माइनस का 1 है, ठीक है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है, आप जरा ध्यान देना, ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले कभी भी अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने होंगे तो आप कैसे करोगे, आप समझना जरा ध्यान से। आपको सबसे पहला पॉइंट जो सॉल्यूशन का जो ध्यान रखना है वो बहुत आप अच्छे से समझना, ठीक है,
अब क्या करोगे, जो भी मैट्रिसेस दिया हुआ है ए, इस मैट्रिक्स को लिखोगे ए, ठीक है, और यहाँ पे आप आई लिखोगे, ठीक है, और जस्ट ये जो मैट्रिक्स लिखा है ना एक आप ए लिखोगे, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, ये आपको लिखने आना चाहिए। जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का एक आई मैट्रिक्स लिखोगे और उसमें सिंपली आप ए से मल्टीप्लाई करोगे। एक्चुअल में ये कोई दूसरा बी होना चाहिए, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे कि ए इंटू बी इज इक्वल टू आई होता है, ठीक है, क्योंकि जो मैट्रिक्स दे रखा है वो ए दे रखा है, तो कोई नया मैट्रिक्स है तो हमें बी ढूंढना है जो उसका इन्वर्स हो, तो हमें यह यहाँ पे ए का इन्वर्स निकालने में हम लोग यहाँ से मतलब ये होगा, ठीक है। आप समझो जरा ध्यान से, हमें करना क्या है पूरे प्रोसेस में, आप समझो, मैं इस चीज को, ये जो मैट्रिसेस लिखा ना, मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ इधर यहाँ पे क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे वन है टू है, यहाँ पे टू और माइनस का वन लिखा हुआ है, अब मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया सॉल्यूशंस वाले पार्ट में आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि आप क्या करोगे कि आप ए इज इक्वल टू आई इंटू का ए लिखोगे, ठीक है, सबसे पहले जो ए दे रखा है आप उसको लिखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू और माइनस का वन लिखा हुआ है, ठीक है, आप समझना। इसके बगल में आप एक आई मैट्रिक्स बनाओगे सेम ऑर्डर का, वन जीरो जीरो और वन, और इसके बगल में ए को ऐसे ही कैरी करोगे, ठीक है, आप समझना। क्योंकि चैप्टर का जो नाम है वो यही है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि इधर वाला जो बॉक्स दिख रहा है LHS में, इसको हम लोग आई बनाने में इंटरेस्टेड है। आई बनाने का मतलब हुआ कि इसे हम इस बॉक्स की तरह बना दें, और यही प्रोसेस LHS में भी होगा और RHS में भी होगा, इस तरीके से ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये ट्रांसफॉर्म कर जाएगा और वही हमारा इस बॉक्स का आंसर दे जाएगा। अब आप जरा ध्यान से समझना, हमें क्या करना है, किस जगह पे वन लाना है, ये ऑलरेडी वन दिख रहा है, अब हमें क्या करना है, जब भी हम रो ऑपरेशन करेंगे तो हम ऐसे नहीं चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे, हमने इसको वन कर लिया, अब हम इसको जीरो करने जाएंगे, क्या करेंगे, जीरो करने जाएंगे। तो आप देखो समझो जरा ध्यान से, अगर इसको जीरो करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम आर टू को जीरो करना जाना है, मतलब किसमें चेंज कर रहे हैं, आर टू में, तो मैंने बोला जिसको यहाँ लिखोगे उसको यहाँ पे लिख लोगे, आर टू लिखा, ठीक है, इसमें से अगर हम माइनस कर ले टू टाइम्स ऑफ आर वन, है ना, अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नंबर तीन अप्लाई कर रहे हैं अगर आपको याद हो तो, किसी भी एक रो को प्लस माइनस करके किसी एक कॉन्स्टेंट के से मल्टीप्लाई कर सकते किसी रो में, तो यहाँ से जो बॉक्स आएगा वो क्या आएगा, आप इसको जरा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे R2 को मैंने लिख दिया, यहाँ पे 2 और माइनस वन, ये R2 लिखा हुआ है यहाँ पे, इस R1 में कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, तो 1 और 2 लिख लो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मुझे 0 बनाना है, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 2 आ गया और ये 2 2 4 आ गया, हमें सबट्रैक्ट करना है, ये वाला पार्ट 0 आ गया, इसको माइनस करेंगे माइनस का 5 आएगा, माइनस का 1 और माइनस का 4 मिलकर कितना, माइनस का 5, मतलब यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे माइनस का 5 आ गया। यही काम हम लोग को यहाँ भी करना होता है, अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं तो क्या करेंगे, देखना समझना ध्यान से, मतलब वन और जीरो पहला वाला तो ऐसे ही रहेगा, दूसरे वाले में क्या है कि इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट करना है, जीरो में से टू घटेगा तो माइनस का टू लिखेंगे, और इसमें से कितना है, अगर यहाँ पे हमारे पास वन है और वन में से जीरो जाएगा, क्योंकि इसमें दो से गुना करेंगे तो जीरो ही रहेगा, तो वन में से जीरो गया तो यहाँ पे वन ही रहेगा, अब समझना जरा ध्यान से। और बगल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ तक लिख कर आएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा आप यहाँ पे लिखते चलेंगे अप्लाइंग, ठीक है, कि आपने क्या अप्लाई किया, ऐसा होंगे हम लोग इंटरेस्टेड क्या है, हम लोग इस बॉक्स को इसकी तरह बनाने में इंटरेस्टेड है, मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, पहले आप वन बनाओगे, यहाँ पे इत्तेफाक से ऑलरेडी वन था, नहीं होता तो बनाते, यहाँ पे इसको जीरो बनाएंगे, जीरो बनाने का मतलब वो इस दो को गायब करना है, गायब करने का मतलब सर इसको दो से मल्टीप्लाई करके अगर इसको घटा दिया जाए तब हम यहाँ पे जीरो क्रिएट कर लेंगे, आप ये मत देखना इधर क्या बन रहा है, ठीक है, आप बस इसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अब इसमें बात आने वाली है, अब मैं जो बता रहा हूँ वो समझाओ ध्यान से, इसमें हमें यहाँ पे जीरो और यहाँ पे वन क्रिएट करना है, पहले आप वन क्रिएट करोगे बाद में आप जीरो क्रिएट करोगे, आप ध्यान रखना, पहले हमेशा वन की प्रायोरिटी होगी बाद में जीरो की प्रायोरिटी होगी, हमें यहाँ पे वन बनाना है, तो वन बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस रो को, सेकेंड रो को हम क्या कर सकते हैं, आप जरा समझना ध्यान से, R2 में हम लोग कुछ अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 को हम लोग माइनस का वन बाई, माइनस का वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें, R2 में, बहुत सिंपल सा बात है, आप जरा इस बॉक्स को देखना ध्यान से,
इस बॉक्स की बात करी जाए तो इसमें वन और टू तो एज इट इज आएगा, वन और टू कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जीरो लिखा हुआ है ठीक है, ये जीरो ही आएगा क्योंकि जीरो में अगर आप माइनस वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो ही आएगा। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो माइनस यहाँ पे आर टू वाला जो एलिमेंट है माइनस का फाइव रखेंगे तो ये माइनस का फाइव यहाँ से कट कर जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा ठीक है। यही काम हम लोग को यहाँ भी करना है, ये जो वाला लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख देंगे वन और जीरो, यहाँ पे माइनस टू और इंटू में वन बाई फाइव करेंगे तो प्लस का टू बाई फाइव हो जाएगा, और यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करा जाए तो ये माइनस का कितना वन बाई फाइव हो जाएगा, माइनस का वन बाई फाइव लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ पे वन जीरो वन क्रिएट कर लिया, अब इसको हमें सिंपली जीरो बनाना है। आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको दो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लास्ट, है ना। अप्लाइंग हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग यहाँ पे आर वन में हम लोग को चेंजेस लाना है, आर वन को हम लोग कुछ आर वन लिखेंगे पहले, जिसको चेंज करना था उसको पहले लिखो, माइनस करो टू टाइम्स ऑफ कितना आर टू लिख करके ठीक है। यहाँ पे बॉक्स बनाना शुरू कर दो, यहाँ पे पहले में कोई छेद चार होगा होगा, पहले ही तो चेंज करना है अपने को। यहाँ पे देखो ध्यान से, मतलब आर वन के जगह पे मैं यहाँ पे लिख दिया, आर वन के जगह पे वन लिखा हुआ है और टू लिखा हुआ है ठीक है। हमें क्या करना है, टू टाइम्स ऑफ आर टू करना है, इसमें टू से मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, इसमें टू से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे टू वन जाए टू आ जाएगा। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करने जाए तो वन और जीरो वन आता है, टू और टू यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब वन और जीरो दिख रहा है, मतलब पहले वाले रो में हम वन और जीरो लिख सकते हैं और लास्ट वाला में ऑलरेडी हमारे पास जीरो और वन आ चुका है। यही काम अगर हम लोग यहाँ पे करने जाए, हमने क्या करा, पहला जो रो लिखा हुआ है पहले रो में कुछ चेंजेस करने हमें, तो पहले रो में हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है, वन और जीरो लिखा हुआ है, लिख लेंगे। माइनस करना है टू टाइम्स ऑफ आर टू, देखो अगर आप टू से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, टू से जैसे मल्टीप्लाई करोगे फोर बाई फाइव आएगा, मतलब ये यहाँ पे फोर बाई फाइव लिख लो आप, उसके बाद अगर टू से आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का टू बाई फाइव आएगा, जैसे माइनस का ये टू बाई फाइव आया ठीक है, माइनस का टू बाई फाइव हमें सब्ट्रैक्ट करना है। वन में से अगर माइनस करने जाए फोर बाई फाइव को, वन माइनस फोर बाई फाइव एलसीएम लेंगे कितना आएगा, फाइव माइनस का फोर डिवाइड बाई फाइव लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से ये वन बाई फाइव दिख रहा है प्लस का, तो इसको हम वन बाई फाइव लिख सकते हैं, यहाँ पे वन बाई फाइव लिख सकते हैं। उसके बाद ये कितना दिख रहा है जीरो, जीरो में से माइनस करेंगे टू बाई फाइव को तो ये माइनस का टू बाई फाइव ही आएगा, तो यहाँ पे माइनस का टू बाई फाइव लिख सकते हैं हम लोग ठीक है। और लास्ट का जो एलिमेंट्स है उसको एज इट इज रहने देंगे क्योंकि इसमें हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ये टू बाई फाइव है और ये माइनस का वन बाई फाइव है, और यहाँ पे ए लिखना नहीं भूले, और यही आपका जो फाइनली आंसर है ए इनवर्स वो यही दिख रहा है, इसको इधर लेकर के आएंगे, ए का इनवर्स लेगा और फाइनली जो अपने पास ए इनवर्स आएगा वो क्या आएगा, तो ए इनवर्स जो आएगा वो इस बॉक्स को आपको लिख देना है ठीक है। वो अपने पास क्या है, वन बाई फाइव है, उसके बाद क्या है माइनस का टू बाई फाइव है, और यहाँ पे टू बाई फाइव लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस का वन बाई फाइव लिखा हुआ है ठीक है, और यही आपका आंसर है ठीक है। एक बार आप वन बाई फाइव, टू बाई फाइव, टू बाई फाइव और वन बाई फाइव ठीक है, आप एक बार साइन चेक कर लेना, साइन का कोई लोचा तो नहीं है ठीक है। हाँ यहाँ पे ये प्लस का आएगा, जीरो में से अगर हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं ठीक है, जीरो में से माइनस करेंगे माइनस टू बाई फाइव को तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ये प्लस का आएगा ठीक है, प्लस का टू बाई फाइव आएगा ठीक है, इसको ठीक कर लो, यहाँ पे आंसर सही है ठीक है। तो ये टू बाई टू ऑर्डर का है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम आई बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं, जो भी मैट्रिसेस दे रखा होता है उसको आई बनाते हैं, और इस आई को बनाने के लिए हमारे पास तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, जो तीन रोज के अबाउट है और तीन कॉलम के अबाउट है, आप किसी को यूज करके आप निकाल सकते हो। आपको ध्यान रखना है आप इस बॉक्स को क्या करोगे, आई बनाने का कोशिश करोगे, और आई बनाते समय आपको ध्यान रखना है पहला प्रायोरिटी वन का होना चाहिए, फिर आप दूसरा प्रायोरिटी जीरो का दोगे ठीक है। इससे क्या है कि आपका जो है क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर आप यहां तक कर लिए हो तो फिर मैं एक तीन बाई तीन ऑर्डर के मैट्रिसेस पे काम करता हूँ, और फिर आप क्या करना कि आप पूरा क्वेश्चन ट्राई करना, आपसे हो जाएगा। आप एक बार इसे कॉपी करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, दो छोटी छोटी बात जो है जिसमें बार बार ध्यान दिए, जिसको ट्रांसफॉर्म करना उसको बगल में लिखो, इससे क्या है कि आपका सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होगा ठीक है, आप ध्यान रखना। एक बार थोड़ा सा और मेहनत करना है, एक तीन बाई तीन ऑर्डर का एक मैट्रिसेस ले लेते हैं ठीक है, फिर अपना सारा काम हो जाएगा।
आप क्वेश्चंस लिखोगे, क्वेश्चन है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। जो भी मैट्रिसेस यहां पे गिवन है उसका इनवर्स निकालने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है आपके पास एक मैट्रिसेस है ए, और ये ए लिखा हुआ है 0 1 2, दूसरे रोज में 1 2 3, और तीसरे रो में 3 1 1 दे रखा है, ठीक है। इसका ए इनवर्स निकालने में लोग इंटरेस्टेड है, बस वही काम करेंगे, प्रोसेस को समझो और क्वेश्चन को करो, ठीक है। हमने कहा कि a इज इक्वल टू i इंटू ए बनाने में हम लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये वाला हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। a हमारे पास ऑलरेडी है 0 1 2 1 2 और 3, यहाँ पे 3 1 और 1 है, ठीक है। i हम लोग सिमिलरली क्रिएट करेंगे, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे a लिखेंगे। यहां तक बातें क्लियर है? अब आपको क्या करना है, यहां पे समझो पहले ध्यान से, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो ध्यान दे रहे हैं। यहां पे हम लोग वन बनाने में इंटरेस्टेड है, हमें इस बॉक्स को, ये जो LHS में बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स को हम लोग आई बनाने में इंटरेस्टेड है। क्या बनाने में? आई बनाने में इंटरेस्टेड। तो आई का मतलब ये हुआ कि इस पोजिशन पे 1, इस पोजिशन पे 0 0 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं या इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर हम अभी हम आपको बताए थे कि अगर हम आर वन को आर टू के साथ क्या कर ले, इंटरचेंज कर ले, है ना। अप्लाइंग, यहाँ पे सबसे पहला जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि सर हम आर वन को आर टू के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जो आपके पास मैट्रिसेस आएगा वो क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जरा ध्यान से लिख रहा हूँ। तो जो नया मैट्रिसेस बन करके आएगा वो अपने पास कुछ ऐसा आएगा, हम 0 1 2 को बीच में लिखेंगे, 0 1 और 2, लेकिन इस वाले को हम ऊपर लिखेंगे 1 2 और 3, 1 2 3, और थर्ड रो में जो लिखा हुआ है 3 1 1, उसको एज इट इज लिख लेंगे। सिमिलरली हम लोग इस बॉक्स में भी वही काम करेंगे, हमने क्या करा 0 1 0 को ऊपर शिफ्ट कर दिया, 0 1 0 और 1 0 0 को नीचे शिफ्ट कर दिया, और जो तीसरे नंबर पे बॉक्स लिखा हुआ है 0 0 1, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और ए इनवर्स को एज इट इज ए को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये 1 बन गया 0 बन गया, 3 बनाने में हम लोग इंटरेस्टेड है, इसको हमें 0 बनाना है। तो बहुत आसान दिख रहा है आपको कि हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करने वाले हैं कुछ, ठीक है। अप्लाइंग 0 बनाना है ना, तो किसको बनाना है, R3 को बनाना है। R3 को अगर हम लोग क्या करें, समझना जरा ध्यान से, अगर R3 में है तो R3 को लिखो और माइनस कर लो कितना, 3 times of R1, इस R1 में 3 times मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो। जरा समझना जो बॉक्स आएगा वो क्या आएगा, मैं आपको ऐसे ओरली करके दिखाता हूँ। देखो तीसरे में चेंजेस करना है तो जो पहले लिखा हुआ उसको एज इट इज लिखो, 0 1 सॉरी यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। उसका दूसरे में क्या है, 0 है 1 है और 2 है, इसमें चेंजेस आने वाले हैं, उसको साइड में लिखो 3 1 1, 3 times of R1 करो, 3 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करने लग जाओ, 3 से 3 खत्म 0, 1 में से 6 जाएगा माइनस का 5, 1 में से 9 जाएगा कितना, माइनस का 9, 0 -5 और -9, 0 -5 और -9, इसको लिखो बाकी खत्म करो, ठीक है। जो काम यहाँ किए हो वही काम इस बगल वाले के लिए करो, ठीक है। इस वाले बॉक्स को बनाओ और इस वाले बॉक्स में क्या करना है अपने को, 0 1 0 एज इट इज लिखो, 0 1 0 1 0 0 1 0 0 एज इट इज लिख करके आ गए। सिर्फ R3 में हमें कुछ चेंजेस लाने हैं, R3 में अगर चेंजेस लाने हैं तो क्या कहता है, R3 को 3 times of R1 करना है, तो 0 में से माइनस करना है किसको, 0 ही होगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, तो ये ऑलरेडी 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 है लेकिन ये 3 बन जाएगा, तो 0 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, 1 है, और 1 में से अगर 0 माइनस करा जाए तो 1 आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे a लिख लो आप एज इट इज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 क्रिएट है, 0 क्रिएट है, 0 क्रिएट है, और ऑलरेडी यहाँ पे 1 क्रिएट है, मैंने बोला था सबसे पहले 1 क्रिएट करो, यहाँ तक क्रिएट है, इसको 0 कर लो या इसको 0 कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको 0 करने जाते हैं। अगर इसको 0 करना है
तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, एक मिनट वेट कीजिए, पहले इंक डाल दीजिए मार्कर में। एक बार थोड़ा सा मेहनत करना है और अपना काम हो जाएगा, ठीक है। मेन बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि आई हम लोग कैसे क्रिएट कर रहे हैं, और ये काम रो और कॉलम के अबाउट, दोनों के अबाउट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते थे, यहां पे मैंने बताया कि अप्लाइंग जो है, यहां पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग हमें किसको जीरो करने में इंटरेस्टेड है, हम लोग इसको जीरो करने में इंटरेस्टेड है, तो हम किसको, R1 को अगर हम क्या करते हैं, समझना जरा ध्यान से, R1 लिख करके माइनस करते हैं 2 times of R2, ठीक है, 2 times of R2 करना है, जो नया बॉक्स बन के आएगा उसको जरा ध्यान से देखना है आपको, R1 में चेंजेस आने वाले हैं, तो क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम लोग यहाँ पे R1 में 1 है, 1 में से माइनस करना है 2 times of R2 को, तो 2 times of 0 0 आएगा, तो 1 minus 0 ये 1 ही आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले तो जो बाकी लिखा हुआ उसको लिख लो आप, 0 minus का 5 minus का 9, 0 1 2 लिखा हुआ है, 0 1 और 2 लिख लो, ठीक है, ताकि पता चले कि सिर्फ हमें जिस पे काम करना है उस पे फोकस कर सके। 2 times of R2 करना है तो 2 1 2 आया, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 आ गया, तो इसमें हम लोग 0 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 में से 6 को माइनस करना है, 2 2 जा 4 और 3 minus 4 करना है, 3 minus अगर हम लोग 4 करने जाएंगे तो कितना आंसर आएगा, -1, ठीक है, 3 minus का 4 बोले तो -1, ठीक है। अगर यही काम हम लोग यहाँ पे करने जाएं तो जरा ध्यान देना, ये हम लोग 0 minus का 3 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 0 और 0 लिख सकते हैं, और लास्ट का जो है इसको हमें चेंज करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 आएगा, 0 में 2 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, R1 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2R2 को, तो 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0 minus 2 बोले तो अगर हम लोग क्या करते हैं, R1 में 2 times of R2 करते हैं, ठीक है, तो 2 times of R2 अगर आप करने जाते हो तो कितना आएगा, करेक्ट तो है, 2 times of R2 करो, R1 की जगह पे 0 1 0 लिख लिया, 2 times of करेंगे ये 2 आएगा, ये 0 आएगा और ये 0 आएगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस का 2 आएगा, ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो -2 1 0 लिख सकते हैं, -2 1 और 0 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम लोग ए लिख रहे हैं। अब जो बचा हुआ है, 1 क्रिएट है 0 क्रिएट है 0 क्रिएट है, 0 1 -5 को 0 करने जाना है, ये आसान है, ये आप कर लोगे, ठीक है, मैं तो रब करके अभी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप कॉपी कर लेना इधर, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा से लंबे लंबे जाएंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, हाँ अभी आप समझना जरा ध्यान से, हम लोग इस -5 को 0 बनाने में इंटरेस्टेड है, तो क्या कर सकते हैं, इस रोज में सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर लेगा -5 से, और इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो अपना काम हो जाएगा। हम चेंज किस में लाने वाले हैं, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाइंग R3 में हम लोग कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, और R3 में से अगर हम लोग क्या करें, R3 को सिंपली प्लस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, कितना, 5 times of R2 करके, ठीक है, तो समझो जरा ध्यान से, तो जो हमारे पास बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में 1 0 minus 1 दिख रहा है, इसको लिख लिया 1 0 minus 1, अगर सेकेंड रो की बात करी जाए तो 0 1 और 2 दिख रहा है आपको, बस हमें थर्ड रो में क्या करना है कि यहाँ पे 0 आएगा, और ये देखना जरा ध्यान से, 0 minus का 5 और minus का 9 लिखा हुआ है, हमें क्या करना है कि 5 times of R2 करना है, ये रहा R2, 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 0 आएगा, 5 1 जा 5 आएगा और ये 5 2 जा 10 आएगा, इसको सिंपली ऐड करना है, ऐड करने का मतलब ये 0, ये कैंसिल आउट होकर के 0 और ये दे जाएगा अपने को +1, 0 0 1 लिख सकते हैं, तो 0 0 और 1 लिख दिया। आप देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग ऑलरेडी 1 0 0 क्रिएट कर लिए, 0 1 0 क्रिएट कर लिए, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पे ऑलरेडी हम 1 क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, जो काम हमने यहाँ करा था वो काम हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना है,
हम लोग थर्ड रो में ऑपरेशन चला रहे हैं, तो बाकी जो सेकेंड रो है फर्स्ट रो उसको एडजेक्टिव लिख लेते हैं। वन माइनस टू वन और जीरो, यहाँ पे वन जीरो और जीरो लिख सकते हैं। फिर वापस से जीरो माइनस थ्री वन लिखो, जीरो माइनस का थ्री और वन लिखो, फाइव टाइम्स करना है इसका। फाइव टाइम्स करोगे तो ये फाइव कौन सा फाइव आएगा, ये जीरो आएगा और जीरो आएगा, इसको ऐड करना, ये पांच आएगा, ये माइनस का तीन आएगा और यहाँ पे एक आएगा। फाइव माइनस थ्री और वन लिख सकते हैं, फाइव माइनस का थ्री और वन लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पे हम लोग ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको और इन दोनों को गैप करना है, तो पहले इसको दो को गैप कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाइंग हम लोग लिख सकते हैं इसमें। अगर हम R2 को गैप करना चाहते हैं तो R2 में हम फिर यहाँ पे R2 लिखेंगे और माइनस करेंगे क्या, देखो अगर हम लोग क्या कर ले कि इसको अगर हम लोग मतलब टू टाइम्स से मल्टीप्लाई कर ले R3 को और सब्ट्रैक्ट कर ले तो अपना काम हो जाएगा। आप जरा देखना जो नया बॉक्स बनेगा क्या बनेगा। आर वन एज इट इज लिखो, वन जीरो माइनस वन, जीरो जीरो वन लिख लो तीसरे नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें चेंज लाना है, तो क्या चेंज लाना है, तो दूसरे नंबर पे जीरो वन टू दिख रहा है, जीरो वन और टू, इसे माइनस करना है टू टाइम्स ऑफ आर थ्री को, तो टू टाइम्स करोगे जीरो आएगा, जीरो आएगा, टू टाइम्स करोगे टू टू जा टू आएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे टू वन जा टू, सब्ट्रैक्ट कर लो, ये जीरो आ जाएगा, ये वन आ जाएगा और ये जीरो आ जाएगा, जीरो वन जीरो आपको दिखाई दे रहा है। तो फाइनली आप क्या कर लोगे, जीरो वन और जीरो लिख लोगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये दिख रहा है यहाँ पे, समझिए जरा ध्यान से, ये काम पहले इधर वाले बॉक्स में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे R2 में ऑपरेशन चल रहा है, तो पहला जो रो दिखाई दे रहा है आपको उसको एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस का टू वन जीरो वन जीरो जीरो, इसको तो चेंज करना है, फाइव माइनस का थ्री और वन दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ बीच वाले को चेंज करना है। बीच वाले को चेंज करने का मतलब हुआ कि अपने पास वन जीरो और जीरो लिखा हुआ है और टू टाइम्स ऑफ आर थ्री करना है, तो पांच दूना दस हो जाएगा यहाँ पे, और तीन दूना कितना छह हो जाएगा, माइनस का छह चल रहा है और ये दो एकम दो आ जाएगा, माइनस करना है, इसको माइनस करोगे माइनस का नाइन आएगा, ये प्लस का छह दे जाएगा और ये माइनस का दो जाएगा, माइनस का नाइन सिक्स और माइनस का टू लिख सकते हैं, माइनस का नाइन उसके बाद प्लस का सिक्स और माइनस का टू लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे आप साइड में करोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है, ताकि हॉटपॉच हॉटपॉच भी नहीं होना चाहिए। और इधर ए चल रहा है आप इसको ए लिख सकते हो। अब आप जरा ध्यान से समझो, सब कुछ हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, बस आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है इस माइनस वन को अपने को गैप करने में इंटरेस्टेड है। अगर ये माइनस वन अपना खत्म हो जाए तो अपना सवाल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जीरो डालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें इसको सिंपली क्या करना है, अगर हम यहाँ जरा ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर ले, अप्लाइंग क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, अप्लाई कर रहे हैं कि जो R1 है, ठीक है, R1 को हम लोग किसके साथ प्लस कर रहे हैं, R1 को हम लोग R3 के साथ प्लस कर रहे हैं, R1 प्लस में R3, ठीक है। जो बॉक्स बनेगा वो क्या बनेगा वो मैं इधर फाइनली लिख रहा हूँ, ठीक है, आप जरा ध्यान देना, इस साइड मैं इधर वाला पार्ट ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, आप जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे ऐड करके लिखना है, जो ऑपरेशन चल रहा है वो किसमें चल रहा है, वो सिर्फ चल रहा है R1 में, तो बाकी को हम लिख लेते हैं ऐसे एज इट इज, जीरो जीरो वन, यहाँ पे जीरो वन जीरो क्या कर रहा है, ये R1 को और प्लस में R3 को ऐड करके लिखना है, तो वन और जीरो वन ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो और जीरो मिलकर के जीरो ही होगा, और यहाँ पे वन और माइनस वन को ऐड करा जाए तो जीरो आ जाएगा, मतलब ये तो आई बना लिया हम लोग, यही काम हम लोग इस वाले बॉक्स के साथ करते हैं, ठीक है, थोड़ा एडिशन है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ठीक है, जरा ध्यान देना। हमें क्या करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइव लिख लो, माइनस का थ्री और वन लिखा हुआ है, माइनस का नाइन सिक्स माइनस का टू, और इन दोनों को ऐड करके लिखना है ना, मतलब R1 को R1 प्लस थ्री करना है, तो फाइव और माइनस टू को ऐड करेंगे तो प्लस का थ्री आएगा, प्लस का आप थ्री लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस थ्री वन में आपको कितना आएगा, माइनस का टू आएगा, और इनको ऐड करोगे तो प्लस का वन आएगा, ठीक है, हमने प्लस का वन लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे ए दिख रहा है। फाइनली ये हम लोग आई यहाँ पे क्रिएट कर लिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड चल रहा है, इसको आई में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और इधर एक नया इनवर्स हम लोग को आकर के तैयार हो जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ए इनवर्स आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, तो वो आएगा आपका थ्री माइनस का टू वन, माइनस का नाइन सिक्स, माइनस का टू फाइव, माइनस का थ्री और वन, ठीक है। आप इसको एक बार राइट डाउन कर लो और फिर हम लोग
आगे बढ़ते हैं। एक बार आंसर जो है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, कि आंसर में कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है, कुछ मिसिंग लग रहा है। -4, 3 और 9, ठीक है। देखो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैंने बता दिया है, ठीक है। इट मे बी कि R1+ में R3 करा मैंने, और R1+ का R3, ठीक है। चलो एक बार आप आंसर देख लेना, आंसर क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है कि इसमें जो बेसिक कैलकुलेशन हो कहीं पे वो मिस्टेक हुआ हो, ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस था वो प्रोसेस मैंने आपको समझाया, ठीक है, और यही पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये आई करते हैं, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो दो छोटी सी बात है वो बता करके मैं इस टॉपिक को फिनिश कर रहा हूँ। आपका बेसिक कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, आंसर थोड़ा सा वेरी कर रहा है, लेकिन वो आप चेक कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यूज नहीं है। कॉन्सेप्ट पे मतलब हमें ध्यान देना है, ठीक है, कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। चलिए जो दो पॉइंट्स हमें नोट करना है वो ध्यान रखना है, ठीक है, वो क्या है, चलो जो दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है वो हम आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन है, पहले इसी क्वेश्चन से हम लोग करते हैं, यहां से चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे एक इनवर्स दे रखा है, अगर रेट से मैं a इज इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पे 10 है, माइनस का 2 है और माइनस का 5 है और 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू i इंटू का a करते हैं, ठीक है, हमें इसको 1 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप जरा ध्यान से समझना, हम R1 में हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, तो R1 को अगर हम लोग प्लस कर ले 2 times of R2 से, है ना, तो ये अपने पास बॉक्स बन के आ जाएगा, ये कितना हो गया 10 है और ये 5 × 2 = 10 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे ये 0 आ गया, यहाँ पे 10 में से 10 गया ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ये काम की बात है। अगर हमें 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल है, देखते रहो, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो पहले 1 ही बनाते हैं, पहले 1 बनाते हैं, दिखाते हैं आपको इसमें होने वाला क्या है। अगर हम लोग इसको R1 को क्या करते हैं, 1/10 times of R1 करते हैं, तो देखिए, तो पहले ये अगर 1/10 times 1 बन गया और इसका माइनस का 2/10 बन गया, ये अगर 10 से, ये तो ऑलरेडी माइनस का 5 और 1 रह जाएगा, ठीक है। यही काम हम लोग आई के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था, और यहाँ पे 0 और 1 था, इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो 1/10 आ जाएगा और ये 0 का 0 रह जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको 0 बनाना है, 0 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या होगा, मतलब और इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि R2 में हम लोग कुछ एप्लीकेशन लगा रहे हैं और ये R1 का 5 times होने वाला है, ठीक है, मतलब R2 में प्लस करेंगे 5 times ऑफ किसको, R1 लिख करके, ठीक है। तो आप देख लो जरा, R1 में 1 - 2/10 कोई दिक्कत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को 5 से, 5 × 5 और ऐड करेंगे तो ये 0 आ गया, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करा जाए किससे, 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2/2 माइनस का 1 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना 0 दे जाएगा, ये 0 दिख रहा है आपको, ठीक। इसी तरीके से अगर इसको लिखने जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1/10 दिख रहा है आपको, ये 0 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे R2 को लिखना है, R2 में 0 है, 1 है, 5 times of R1 करना है, 5 से गुना करोगे 1/2 आएगा और ये 0 आएगा, सब्ट्रैक्ट करा जाए तो ये माइनस का 1/2 दिख रहा है और ये 1/0 बोले तो 1 दिख रहा है आपको। आपको ध्यान रखना है इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है, यहाँ पे आप नोट्स में लिखोगे, सबसे पहले एक छोटा सा मैं पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूं कि वी हैव, ठीक है, ऑल जीरोस
इन द सेकेंड रो, इन द सेकेंड रो किसी भी एक रो या एक कॉलम में अगर सारा का सारा एलिमेंट आपको जीरो दिखाई देगा, देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन द सेकेंड रो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, बहुत काम की बात बता रहे हैं, हमेशा उस वाले साइड में देखना है, लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एलएचएस साइड में अगर इसका हर एक एलिमेंट जीरो जीरो हो जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहां से आप ध्यान रखना, किसी भी केसेस में इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर रो एलिमेंट ऑपरेशंस, इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोस इन वन रो और मोर ऑफ द एलएचएस मैट्रिक्स देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी केसेस में रो में चाहे कॉलम में अगर सारे के सारे एलिमेंट्स एलएचएस में जीरो जीरो जाएंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। थैंक यू, यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर आप सारे के सारे एक्सरसाइज करना, जो भी डाउट आएगा अगले क्लास में फिर डाउट आप करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। गुड डे, सी द नेक्स्ट क्लास। होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, अगर हमारा वीडियोज आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। गुड डे, सी द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।